आप अंदाजा लगाइए कि मेरे बुजुर्गों ने, आपके बुजुर्गों ने पाकिस्तान के उस फैसले को कबूल नहीं किया था। मुल्क बनकर 70 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं। उसके बावजूद भी हमको जिन्ना के नाम से पुकारा जाता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बीजेपी ये समझ नहीं रही है कि आप इन मासूम नौजवानों के दिलों पर क्या असर पड़ता है। जब वो देखते हैं कि एक शख्स जिसको हमने अपने वोटों से, अपनी दुआओं से उसको कामयाब करके भारत की पार्लियामेंट में भिजाया, और जिस जमात के सिर्फ 2 रुकने पार्लियामेंट है, इनको अगर कोई जिना नजर आता तो असदुद्दीन ओवैसी नजर आता। मेरा गुनाह यही है कि मेरे वालिद ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे वालिद ने मुझे बरतानिया भिजा कर पढ़ाया। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, सबका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि अल्लाह ने मुझे तालीम याफ्ता बनाया। क्या एक मुसलमान का तालीम याफ्ता होकर, कानून के दायरे में रहकर, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर बात करना अगर गुनाह है तो बताओ फिर कौन सियासत करेगा, कौन मजलूमों के लिए लड़ेगा।